अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मैं आप खैरियत से होंगे। जनवरी 2019 स्टार्ट हो गया है और मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी जो मैं आपको से इस वक्त शेयर करना चाहता हूँ। जब अगर आप मेरी ये वीडियो देखें, इस पर लिखा हुआ है कि जनवरी में जो सैटर्न एंड जुपिटर इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या रिजल्ट निकालेंगे 2020 में। जब भी सैटर्न घूमकर अपने घर में कैप्रिकॉर्न में आता है, जिस तरह मैंने कहा था कि पाकिस्तान के छठे घर में आएगा, तो जब भी पाकिस्तान के छठे घर में आएगा तो पाकिस्तान से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैनेजमेंट है, जो बुजरा हैं, उनकी काफ़ी सारी तब्दीलियां होंगी। क्योंकि आज मुद्दा हमारा पाकिस्तान की नए गवर्नमेंट के जो लोग चेंज होंगे उनको वो नहीं है। मैंने कहा था कि जो सैटर्न है ये वेस्ट का लॉर्ड है, और वेस्ट में मैंने कंट्रीज गिने थे, ईरान, अफ़गानिस्तान, गल्फ एंड यूएसए। अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो उनमें आपको नज़र आएगा कि ये चार जो ममालिक हैं इनका डेफिनेटली ज़िक्र बड़ा शिद्दत से किया गया था। मैंने तब भी कहा था कि जब भी सैटर्न घूमकर जब भी पाकिस्तान से वेस्ट का लॉर्ड है, जब भी घूमकर सैटर्न अपने घर कैप्रिकॉर्न में आता है तो वेस्ट में वाज़े तौर पर तब्दीलियाँ आती हैं। इसीलिए इन सारे ममालिक में, जिस तरह अफ़गानिस्तान है, ईरान है, गल्फ है और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ आएंगी और एक दफ़ा रीस्ट्रक्चरिंग, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगी। आज जो इस वक्त मामलात हैं ईरान और यूएसए के दरमियान, तो ये आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी और फरवरी ये दो महीने ऐसे होंगे जो डेफिनेटली इस ख़ास खत्ते पर बहुत शिद्दत से असर अंदाज होंगे। पाकिस्तान ज़ेर बहस नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसलिए ये जो सारा एरिया, स्पेशली 22 जनवरी के बाद से जो फेज़ शुरू होगा, विच इज़ फरवरी का जो टाइम होगा, ये गल्फ के लिए और पाकिस्तान से वेस्ट ममालिक के लिए बहुत शदीद ख़तरे का बायस होगा। इसलिए यहाँ पर अमरीका, ईरान और ये जो सारा गल्फ वाले कंट्रीज़ हैं, इनके दरमियान आपसी तसादम होने के बहुत सारे चांसेस हैं, जिसमें ये लग सकता है कि काफ़ी सारी अनसर्टन कंडीशंस हों और तसादम की तरफ ये जाएं और ये डिस्ट्रक्टिव मंथ्स होंगे। बेसिकली सैटर्न का घूमकर ट्रांजिट में आना ममालिक के लिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में से ये सारी चीज़ें हैं। और कई इंडियंस ये कहते थे कि जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने के चांसेस हैं। मैंने पहले कहा कि सैटर्न जो है ये जंग का लॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है, सैटर्न, जुपिटर, सन और बाकी प्लैनेट्स जब इकट्ठे होंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स जनरेट करेंगे, लेकिन सिर्फ उस सेक्टर पर जहाँ पर गल्फ इन्वॉल्व है, नॉट कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2020 का जनवरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तब्दीलियां लाएगा, फरवरी में पाकिस्तान के जो हालात है गवर्नमेंट के वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ जिस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक नया रूप लेगी। अगर आप देखें पिछला 1990 में भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में घूमकर आया था और वो गल्फ वार लगी थी, उस वक्त भी ये सिनेरियो इसी तरह था। 1991 का ये में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही था और तब भी जुपिटर सैटर्न इकट्ठे हुए थे, तब भी ये डिस्ट्रक्शन आती हैं। इसलिए सैटर्न वेस्ट का लॉर्ड है, ये आज याद रहे, वेस्ट का लॉर्ड है। पाकिस्तान से वेस्ट में दोबारा से गल्फ कंट्रीज़, ईरान, अफगानिस्तान एंड यूएसए, वही एक सेक्टर जो है, ये बेसिकली एक ही इक्वेटर पर है, जिसे हम कहते हैं कंसेरियन इक्वेटर के ऊपर हैं, मगर ये साइड यही वाली ब्रेकफेस्ट वाली बनती है और ये इसलिए डिफ़िकल्ट सिनेरियो इसमें क्रिएट होगा। ये दो महीने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आगे पाकिस्तान की बारी, आई थिंक पाकिस्तान की मीडिएशन कहीं ना कहीं गल्फ ममालिक को बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आनी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, यूएसए, गल्फ, ये सारी कंट्रीज़ हैं वेस्ट वाले, पाकिस्तान से वेस्ट वाले, इन सब में एक मीडिएशन का रोल प्ले करेगा पाकिस्तान, क्योंकि अपने आप को एक डिफरेंट किस्म के फेज़ में दाखिल कर चुका है, एक नई स्ट्रेंथ दे चुका है। इसलिए आई थिंक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत बेहतर होगा और पाकिस्तान अपने आप को डिफरेंट एंगल पर
लाएगा। मैंने तभी ये कहा था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैं फिर एक दफ़ा आपको ही दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये याद रहे, 2020 वाली ये वीडियो है, ये मैंने उसकी तस्वीर आपको लगाई है कि पाकिस्तान 2020 में गल्फ़, ईरान, अफगानिस्तान एंड यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हो जाएगा और इनको हर हाल में पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और ये पाकिस्तान से कलेबोरेशन के लिए भागेंगे, पाकिस्तान के लिए कलेबोरेशन की तरफ आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अब सिनेरियो चल पड़ा है, ये पाकिस्तान की अहमियत को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देगा। इस खत्ते में जो अनसर्टनटी या डिफ़िकल्ट सिनेरियो क्रिएट होगा, उसको अल्टीमेट एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। सिर्फ पाकिस्तान एक बेहतर कंट्री बनने की तरफ जा रहा है। सो ये जो इस वक्त अनसर्टनटी है, ये रहेगी और इसमें बात याद रहे, जनवरी एंड फेबररी और स्पेशली फेबररी, इसमें कोई ऐसी हालात जनरेट कर सकता है जिसमें वार का सिनेरियो क्रिएट हो, मगर उसका डायरेक्टली पाकिस्तान पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। इस वीडियो पर और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने 2020 स्टार्ट किया कि सैटर्न जुपिटर, इसकी हेडिंग ये है, सैटर्न जुपिटर सन इन कैप्रिकॉर्न इन 2020 फॉर पाकिस्तान। ये आप वीडियोस देखिएगा और देखने के बाद आपके जो कमेंट हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी प्रेडिक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनको गौर से अपने कमेंट्स पर जारी रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।